हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इंडियन रेलवेज की टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। बट इस बार मैं आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन से यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन से आपको ट्रेन की टिकट बुक करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इंडियन रेलवेज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इंडियन रेलवेज का, जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। देखिए ये फ्रेंड्स, ये वाला ऐप है सबसे नीचे, ये जो है इस पर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको इस पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन करना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में राइट हैंड साइड पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको एक पिन मांगेगा जो कि 4 डिजिट का होता है आपकी सेफ्टी के लिए। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तो आप उससे लॉगिन कर लें। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे प्लान माय जर्नी फर्स्ट वाला टैब आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन डालेंगे कहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करके या फिर स्टेशन कोड डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट आपको डालनी है। उसके बाद आपको सर्च करनी है ट्रेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए काफी सारी ट्रेन्स आ रही हैं, तो मुझे जो ट्रेन की टिकट बुक करनी है वो ये वाली ट्रेन है 12566 12566। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। अब मुझे चाहिए स्लीपर, तो स्लीपर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मुझे इस डेट की 29th of March 2020 की टिकट बुक करनी है, तो अब इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, बट तब तक ये आई थिंक कंफर्म हो जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी होगी तो RAC आ ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपको चार्जेस बता रहा है कितने कितने चार्जेस हैं, तो टोटल अमाउंट मेरा ये है। उसके बाद आपको जाना है गो टू पैसेंजर डिटेल्स में। उसके बाद आपको करना है एड न्यू। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का नाम एंटर करना है। उसके बाद एज उनकी एंटर करनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने एज इनकी जो डाली है वो 66 डाली है, यानी कि अब सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन में फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको कंसेशन मिलता है, यानी करीब करीब आधी टिकट उनकी लगती है, यानी कि पूरी फुल टिकट नहीं लगती है, थोड़ा सा कंसेशन मिलता है करीब करीब। तो यहाँ पे देखिए कंसेशन का जो टैब आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं फ्रेंड्स, अवेल कंसेशन, फॉरगो 50%, फॉरगो फुल कंसेशन। अगर आप फर्स्ट वाले को चूज करेंगे तो आपको कंसेशन मिलेगा, यानी कि आपका प्राइस कम हो जाएगा टिकट में से। और अगर आप नीचे सेकंड वाले पे करते हैं फॉरगो 50% कंसेशन, तो ये आपको जो कंसेशन मिलना था उसमें से उसका आधा मिलेगा। और नीचे वाले में फॉरगो फुल कंसेशन करेंगे आप, तो उसमें आपको जो कंसेशन है वो नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पूरी टिकट का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं अवेल कंसेशन पे कर देता हूं। और फ्रेंड्स, ये करने के बाद आपको आईडी प्रूफ भी वहां पे दिखाना पड़ता है कि आप एक्चुअली में सीनियर सिटीजन हैं या नहीं। उसके बाद आपको बर्थ प्रेफरेंस में अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको लोअर नीचे की सीट चाहिए, बीच वाली चाहिए, अपर चाहिए ऊपर वाली, या साइड लोअर या फिर साइड अपर। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नो प्रेफरेंस करूँगा, क्योंकि कोई सी भी सीट मिल जाए, बस मिल जाए किसी तरीके से। उसके बाद फ्रेंड दोबारा एक पर्सन और एंटर करना है, यानी कि सेकेंड पैसेंजर की डिटेल डालनी है। तो मैं एंटर कर देता हूँ उनका नाम। उसके बाद एज यहाँ पे एंटर करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 10 मैंने एज डाली है,
अब जैसे 10 एज डालूंगा तो यानी कि ये हाफ टिकट लगेगी, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे फिर जेंडर, उसके बाद नीचे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन और होता है, अगर आप जो मैंने नीचे जिनकी एज डाली है सेकंड पैसेंजर में, अगर आप उसके बर्थ के लिए चाहते हैं कि उसको भी एक सीट मिल जाए, तो आप क्लिक करने के बाद अलॉट बर्थ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ये होगा कि आपको आधी उसमें जो है वो नहीं लगेगा, बल्कि पूरी उसको आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। तो फिलहाल मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और डन करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब आपको पेमेंट करनी है। उससे पहले आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है, फोन नंबर मैंने पहले से डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या वॉलेट का यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं भीम UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब एक बार फ्रेंड्स दोबारा चेक कर लो, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो गई तो टिकट कैंसिल करने पर कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं फिलहाल चेक कर लेता हूँ ट्रेन का नाम और नंबर और डेट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे जैसे कि दिख रहा है, क्लिक ऑन UPI मनी पे आपको एंटर करना है, यानी कि यहाँ पर उसका देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करूंगा भीम UPI का एंड पे कर दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पे पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्योंकि ये अपने UPI से पेमेंट की है, तो अब ये मेरे UPI ऐप में अप्रूवल के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर देना हूँ अपनी पेमेंट को, और ये पेमेंट मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर अप्रूव करनी है अपने भीम UPI ऐप से, तो वो मैं कर देता हूँ। और फ्रेंड्स तब तक ये विंडो आपको क्लोज नहीं करनी है अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पेमेंट कर दी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी हो गई है ट्रेन की टिकट बुक। अब आपको जाके चेक करना पड़ेगा अपने माय बुकिंग्स में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक ट्रेन मैंने जो अभी बुक की है वो ऊपर वाली है, फर्स्ट वन, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, आपको देखिए आपका स्टेटस और सब कुछ दिखेगा, यानी कि ये दिखा रहा है पहले वाले पैसेंजर पे 112 वेटिंग लिस्ट अभी दिखा रहा है जब बुक की थी हमने, और अभी फिलहाल कितनी है 38। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टिकट हो गई है बुक। तो इस तरीके से आप अपने फोन के ऐप से यानी कि IRCTC के ऐप के थ्रू आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।